नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। बता दें कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्तगी की मांग उन्होंने सरकार से कर दी है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर। इसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने सुशील कुमार मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए कि चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है भाजपा के आला कमान को लेकर। तो ठीक है, मैंने ये जो है शिक्षा मंत्री अशिक्षित है, कोई बात नहीं है, वो तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री तक्षशिला को, विक्रमशिला को बिहार में बताते हैं, वो जमे रहे हैं। देश के गृह मंत्री 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन करवाते हैं, तो वो तो सब बने रहेंगे। ये जितना आवास कर रहे हैं लोग, मुझे पता है कि एक विमर्श देश में जो भूचाल लाया है, सत्य पर खड़ा उतरने वाला, इससे बुखलाहट है जिन तत्वों को, मुझे कोई घबराहट नहीं। बार बार किया जाता है, क्या लगता है भाई? तो आपको अभी तक नहीं समझ में आई शिक्षा मंत्री को टारगेटेड है? इसलिए कि एक सत्यपरक विमर्श मैंने जो देश में दिया है, जो शास्त्रों में अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई है जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, वो हम क्या कहें? मोहन भागवत जी से बड़ा कोई हिंदूवादी नेता है क्या? मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं और सरसंचालक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसने जो कह दी, हमसे देख कर आगे कह दिया, हमने तो कहा पुरखों गलती से जातियाँ बनी है, जाति ढोना ठीक नहीं है। उन्होंने तो कह दिया पंडितों ने जातियाँ बनाई है, समीक्षा होनी चाहिए ग्रंथों का। तो भाई, उनके विरुद्ध में कोई फतवा आप नहीं देते हो, और बाकी जो आरोप लगाए हैं तो गंभीर मुकदमा झेलेंगे लोग, जांच करिए। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सूटकेस में कारतूस रखकर ले जाने वाला व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री बन गया है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के दबाव में ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया है जो व्यक्तिगत ईमानदार और लोक लाज को ताक पर रखकर वर्षों से शिक्षक और मंत्री दोनों पदों का वेतन उठा रहे हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री को लेकर बीते दिनों ये खबर सामने आई थी कि औरंगाबाद के एक कॉलेज में बतौर शिक्षक वो आज भी वेतन उठा रहे हैं और 15 साल से उन्होंने उस कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है, ना वहाँ वो पढ़ाने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेतन उठाते रहे और उसके साथ साथ ही वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद को औरंगाबाद के एक कॉलेज का लेक्चरर बताते हैं, वे वहां से शिक्षक होने के नाते वेतन ले रहे हैं जबकि पिछले 15 साल से वहां पढ़ाने ही नहीं गए हैं। ये वही चंद्रशेखर है जिनके सूटकेस से दिल्ली हवाई अड्डे पर कारतूस बरामद हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया था। ऐसे हथियार शौकीन व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाए रखकर नीतीश कुमार छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इससे बिहार का अपमान नहीं हो रहा है? तो देखिए, अब एक बार फिर शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं वो विवादों में आ गए हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री पर हमलावर है, नीतीश सरकार पर हमलावर है। बता दें कि इसी बयान के बाद शिक्षा मंत्री ने भी बीजेपी के आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपने बयानों के जरिए टारगेट किया है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।